बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम वेक्टर का ही खूब उपयोग करेंगे। आपके पास 3 चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड क्यू है और यूकिलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखें। जैसे ही यूकिलेटरल ट्रायंगल कहा, आपके दिमाग के ढक्कन में दो बातें आई। नंबर 1, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इनर एंगल आर 60 डिग्री, एम राइट? अब आप एक काम कीजिए भाई साहब, इनके कॉर्नर पे क्यू रख दीजिए। ये हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6 लिया है। आपको सेंटर पे फोर्स बताना है कि सेंट्रॉइड पे कितना फोर्स होगा। लेंथ ऑफ द ट्रायंगल मानना चाहे तो आप एल मान लीजिए। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। इस वाले ट्रायंगल एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर लीजिए, जो सेंटर मिलेगा सेंट्रॉइड होगा। यूकिलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, क्या जानती हैं? ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर हम कहें भाई साहब ये ए है, ये बी है और ये सी है, सेंटर को ओ मान लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा डायग्राम छोटा है लेकिन ठीक है, समझ जाओगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। तो हमने एक क्यू जो है एक चार्ज मान लिया, कि यहाँ पे हमने एक आर्बिट्री चार्ज क्यू मान लिया, कि हमने एक क्यू रख लिया जिस पे ये भी धक्का मारेंगे, ये भी फोर्स लगाएंगे, ये भी फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स तो एक लाइन में लगेगा, ये वाला है तो ये इस पे फोर्स लगाया, इन्होंने कह दिया भाई हमारा फोर्स एफ ए है, एम आई राइट बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये वाला भी इस पे एक फोर्स लगा देगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि यू की लेटर ट्रायंगल है तो ओ ए बराबर ओ बी और बराबर ओ सी होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों बराबर हैं तो हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम फाइंड आउट कर सकते थे। हमने मान लिया एक्स है क्योंकि तीनों बराबर हैं, क्या करें निकाल के, एक्स कर लिया। अब देखिए ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, एक चीज आप और देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे बेटा? चार्जेस आर इक्वल, ये क्यू 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 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, साथ में डिस्टेंस आर इक्वल, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो ऐसे सूरत हाल में आप कह देंगे जब चार्ज बराबर है डिस्टेंस बराबर है तो हम कह सकते हैं कि साहब जो एफ ए लग रहा है, जो एफ बी लग रहा है, वही बराबर एफ सी है और उसको हमने एफ कह दिया। आई सेड एफ, बस काम बन गया बेटा आपका। सोती सर ने क्या कहा है कि अगर वेक्टर एंगल पे है तो क्या करोगे? रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये तो एफ वन तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, रिजॉल्व का मतलब है कि एक्स वाई का कंपोनेंट निकालना, ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, इनको नहीं छुएंगे। ये वाला है एफ बी रिजॉल्व होगा क्योंकि एंगल पे है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स का ये बनेगा और वाई का ये बनेगा। काम बन गया बेटा, ये इसके पैरेलल है तो ये बाइसेक्ट होके आया था तो 30 डिग्री का था। इतना आप जानते हैं एफ बी बराबर एफ बी कर देंगे तो एफ कॉस 30 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह एफ बी जो कि एफ के बराबर है, साइन 30 नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा। अब बेटा इस वाले को देखिए, एंगल पे है, इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा एफ सी का, एक कंपोनेंट ये आएगा। बाइसेक्ट करके लाए थे सेंटर पे तो 30 डिग्री ये भी होगा
करस्पोंडेंट एंगल है। तीन प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, वर्टिकल, अपोजिट, अल्टरनेट और करस्पोंडेंट। एफ सी की वैल्यू एफ के बराबर है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ कॉस 30 डिग्री और इसका एफ सी का नॉर्मल कंपोनेंट एफ साइन 30 डिग्री। बस काम हो गया बेटा आपका। जब भी एंगल पे आया आप रिजॉल्व कर लीजिए और दोनों कंपोनेंट निकाल लीजिए एफ एक्स। बहुत सिंपल, आपको इतना मालूम ही है, नीचे बना भी दें, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब देखिए ये वाला कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस 30 डिग्री। बेटा ये ओरिजिन लिया आपने, ये किधर जा रहा है, माइनस साइड में। आप बड़े खुश हो गए कि सर एक्स कंपोनेंट खत्म हो गया। एफ बाई निकाल लीजिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो देखिए कौन कौन सा है, एक है एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30 डिग्री, नीचे की तरफ निगेटिव एफ और एफ ए बराबर है आपके एफ के। काम बन गया, एक एफ टू एफ साइन 30 माइनस एफ साइन 30 कितना होता है, एक बटे दो। लाइए लिखी दें, ये गया एफ में से एफ गया जीरो। तो आप कहेंगे सर एक्स भी जीरो वाई भी जीरो नेट भी जीरो, लेकिन हम आपको एक फार्मूला लिख दें कि एफ एक्स मालूम हो तो रिजल्ट ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं ये, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो के, तो नेट फोर्स एट सेंटर विल बी जीरो।